आपका क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम, सेकेंड फाइव विल कम अप एटलीस्ट वन, थर्ड इज फाइव विल कम अप एट बोथ डाइस। अब इसको समझो, तो हमारे पास में क्या है, डाइस, तो टू डाइस आर देयर, तो फर्स्ट इज डाइस वन एंड सेकेंड इज योर डाइस टू, है ना। अब इसके अंदर नंबर्स क्या क्या है, तो ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, यहां पर भी सेम नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब क्वेश्चन देखो उसने क्या पूछा है, फाइव विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम, ठीक है, दैट मीन्स ये जो फाइव है ये आपका दोनों साइड में कभी भी नहीं आना चाहिए, तो एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग यू हैव टू राइट, है ना। तो इजी वे क्या है आपका, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि फाइव कितने टाइम्स आ सकता है, तो वी विल गो फॉर फाइव, कितने टाइम्स आ सकता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी फाइव का कॉम्बिनेशन वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है ना। तो फर्स्ट इज फाइव एंड वन, तो ये देखो कितने हो गए, सिक्स कॉम्बिनेशन दिस साइड। अब हम इस साइड से चालू करते हैं, है ना। तो ये डाइस वन में अगर फाइव है तो इट विल कम, यहां पर भी देखो फाइव आ सकता है, अगेन थ्री फोर एंड सिक्स। मैंने देखो ये फाइव है, यहां पर फाइव टू फाइव फिर कॉन्टेक्ट नहीं किया, क्योंकि फाइव कॉमा फाइव लिखोगे तो कंप्लीट हो रहा है, एक ही बार में कंप्लीट हो जा रहा है। इफ आई एम राइटिंग फाइव कॉमा फाइव फ्रॉम वन, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड डाइस है, अगर मैं सेकेंड डाइस एंड वन लिखता हूं तो भी आपका फाइव कॉमा फाइव ही रहेगा, तो दैट मीन्स आपका सिक्स एंड फाइव इज इलेवन, ठीक है। तो आपकी देखो फाइव की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इलेवन बाई थर्टी सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स इज थर्टी सिक्स। तो हम पहले सेकंड वाला कर देते दिस वन, है ना, हमने ये फाइंड आउट कर दिया। तो फर्स्ट सेकंड वन इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव दैट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, इलेवन बाई टोटल इज थर्टी सिक्स, तो इलेवन बाई थर्टी सिक्स इज योर प्रॉपर्टी नाउ। अब हम फर्स्ट वाला करते हैं, तो फाइव विल नॉट कम, तो फाइव की प्रॉपर्टी इज इलेवन बाई थर्टी सिक्स एंड फाइव विल नॉट कम की क्या है, वन माइनस इलेवन बाई थर्टी सिक्स। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, प्रॉबर्टी ऑफ नॉट फाइव दैट इज इक्वल टू वन माइनस इलेवन बाई थर्टी सिक्स, दैट इज इक्वल टू वी कैन से थर्टी सिक्स माइनस इलेवन बाई थर्टी सिक्स, दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स, ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स फर्स्ट की प्रॉबर्टी आ गई, फाइव विल नॉट कम, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है इसको, फिर देखो आगे क्या बोला है, फाइव विल कम अप एट बोथ डाइस, तो बोथ डाइस में कितने बार होगा, ओनली अ सिंगल टाइम, है ना। तो वी कैन राइट इट एज नंबर थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डाइस दैट इज फाइव, दैट इज वन बाय थर्टी सिक्स, एक ही बार आएगा, है ना, फाइव इधर फाइव, तो वन बाई थर्टी सिक्स इज योर आंसर नाउ।